वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीरजा। हमारे भागवत पुराण जो हमारे शास्त्र हैं, जब हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन जीने का ढंग सरल हो जाता है। ऐसी चीजें ही बताई गई हैं उसमें, ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन जीने को सरल बनाती हैं, और उनका अनुसरण जब हम करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हम तक नहीं आ पाती हैं और हम शांतिमय जीवन जी पाते हैं। हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि किन लोगों से, ऐसे कौन से लोग हैं समाज के अंदर जिनसे कि हमको अकारण बैर नहीं मोल लेना चाहिए। यह भी बताया गया है कि अन्याय का विरोध करें, अन्याय को सहना गलत है, लेकिन अकारण बैर मोल नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। उनमें से है जो सामर्थ्यवान है, उससे हमको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, ना उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है ना दुश्मनी। दूसरा, जिसके पास शस्त्र है, अगर किसी के पास शस्त्र है तो उससे हमको दूरी बना के रखनी चाहिए, भाई हम अकेले हैं, वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। मूर्ख व्यक्ति जो अपना ही अच्छा और बुरा नहीं जानता, यदि हम उससे दोस्ती करेंगे या उससे दुश्मनी करेंगे तो वो हमको भारी पड़ेगा, ऐसे लोगों से भी दूरी बना करके रखना चाहिए। हमारा कोई खास मित्र जो हमारे सारे राज जानता, उससे भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि मनमुटाव ना हो, क्योंकि वो हमारे सारे राज जानता है तो हमको बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि पुराने टाइम से हम देख रहे हैं कि जो भी राजा थे, अगर वो युद्ध में पराजित हुए हैं तो उनकी वजह कोई ना कोई राजदार व्यक्ति ही था। इसके बाद धनवान व्यक्ति, यदि कोई पैसे से सबल है तो वो भी हमको बड़ी क्षति पहुंचा सकता है, उससे भी सावधान रहिए, दूरी बना करके रखिए, यदि उसके नेचर में ऐसा कुछ है कि ये सही इंसान नहीं है। डॉक्टर, वैद्य जिनसे हम अपना इलाज कराते हैं, उनसे भी उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो भी हमारे स्वास्थ्य को देख रहे हैं और हमको बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। हमारा रसोइया जो हमारे लिए खाना बनाता है, कुक, उससे यदि हमारा किसी तरह का झगड़ा हो या मनमुटाव हो तो उसे बदल दें, क्योंकि अगर उसी व्यक्ति जिससे कि हमारा मनमुटाव हुआ है वही हमारे लिए भोजन बना रहा है तो ये भी हमको एक बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में हमारे लिए बताई गई हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, बच करके रहें। तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम के बातें बताई गई हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा अपना जीवन सरल बना सकते हैं। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।